क्वेश्चन नंबर 17 आपके एक्सरसाइज है 5.3। क्वेश्चन नंबर 17 का स्टेटमेंट है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। यानी एग्जाम्पल दिया कि ए सेक्शन ऑफ क्लास वन विल प्लांट वन ट्री। अगर क्लास वन का कोई भी सेक्शन है तो कितना ट्री प्लांट करेगा बच्चे? वन प्लांट। कहते अगर सेक्शन ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड, क्लास सेकेंड का कोई सेक्शन है तो कितना प्लांट कर सकता है प्लांट ट्री को? टू ट्री। जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उतना ही ट्री क्या करेगा? वो प्लांट करेगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12। यानी क्लास वन से स्टार्ट होगा और क्लास 12 तक जाएगा। देर आर थ्री सेक्शन ऑफ इच क्लास, इच क्लास में थ्री सेक्शन है। ओके, अब कह रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देखो बच्चे इसमें जो है आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन 17 में, तो टोटल ट्रीज कितना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू क्या होगा? अब क्लास जैसे क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है, इसमें कितना सेक्शन है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, थ्री सेक्शन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आप कहते हैं इस सेक्शन जितने जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उतने ही ट्री प्लांट करेगा इच सेक्शन। अब जैसे सेक्शन वन कितना ट्री प्लांट करेगा? वन। सेक्शन सेकेंड भी कितना ट्री प्लांट करेगा? वन। और सेक्शन थर्ड भी कितना प्लांट करेगा? वन। चूँकि क्लास फर्स्ट में, अगर क्लास सेकेंड में, क्लास अगर सेकेंड में बच्चे हैं इसमें भी थ्री सेक्शन होगा, वन टू एंड थ्री। अब क्लास सेकेंड में तो इस सेक्शन कितना प्लांट करेगा ट्री? दो ट्री प्लांट करेगा, चूँकि क्लास टू है, जिस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं उतने ट्री को प्लांट करेगा। यहाँ टू टू टू। अच्छा, अगर क्लास थर्ड है, क्लास थर्ड है तो इसमें भी थ्री सेक्शन होगा, इसमें क्या होगा? सेक्शन वन, सेक्शन टू एंड सेक्शन थ्री। अब इस सेक्शन कितना ट्री प्लांट करेगा? क्योंकि क्लास थर्ड है तो थ्री ट्री को प्लांट करेगा, थ्री थ्री थ्री। ओके, इस तरह से क्या होगा आपका, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? क्लास ट्वेल्व तक जाएगा। तो क्लास ट्वेल्व के बच्चे कितना ट्री प्लांट करेगा इच सेक्शन? ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल्व। ओके, तो क्या हो जाएगा? अब देखो क्लास फर्स्ट का जितना भी सेक्शन है तो वन वन ट्री प्लांट करेगा, तो देखो वन प्लस वन प्लस वन कितना आएगा? थ्री। यानी थ्री इंटू वन हो गया। आइए, क्लास सेकेंड में थ्री सेक्शन है, इस सेक्शन टू टू ट्री को प्लांट करेगा, तो क्या होगा? टू प्लस टू प्लस टू, तो टू कितने? थ्री टाइम्स है, लिख सकते हैं थ्री इंटू टू। फिर देखो क्लास थर्ड में आपको थ्री सेक्शन है, इस सेक्शन थ्री ट्री को प्लांट करेगा, थ्री इंटू थ्री। इस तरह से क्लास फोर में क्या हुआ? वहाँ भी क्या हुआ? क्लास फोर में थ्री सेक्शन है, इस सेक्शन कितना प्लांट करेगा? फोर ट्री को प्लांट करेगा। इस तरह से कहाँ जाएगा आपको? ट्वेल्थ तक जाएगा। अगर ट्वेल्व क्लास है तो इसमें भी थ्री सेक्शन है, इस सेक्शन कितना प्लांट करेगा? 12 ट्री को प्लांट करेगा। ओके, अब इसका जो सम होगा ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज होगा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना आ गया? टोटल ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू हो जाएगा कितना कितना आएगा? ये 3 इंटू वन क्लास फर्स्ट के लिए हुआ, थ्री सेक्शन, इस सेक्शन वन ट्री को प्लांट करेगा, फिर प्लस थ्री इंटू टू क्लास टू के लिए है, फिर प्लस
थ्री इंटू थ्री, फिर प्लस थ्री इंटू फोर, इस तरह से चलते रहेगा कहाँ तक, क्लास ट्वेल्व तक। क्लास तो कितना टर्म, देखो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड क्लास के लिए सेकेंड टर्म, थर्ड क्लास के लिए थर्ड टर्म, फोर्थ क्लास के लिए फोर्थ टर्म, द ट्वेल्थ क्लास के लिए क्या हुआ, ट्वेल्थ टर्म हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ट्वेल्व हो गया। इस तरह लिख देंगे टू ट्वेल्व टर्म्स, तो कितना आ गया देखो, तो थ्री इंटू थ्री कितना आ गया, थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, थ्री इंटू थ्री नाइन, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, प्लस टू कितना टर्म, टू ट्वेल्व टर्म्स। ओके अब देखो, देखो ये एपी में, देखो बच्चे ये जो क्या है एपी में, आर इन एपी में, एपी में क्यों है, क्योंकि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना, थ्री है। देखो सिक्स माइनस थ्री, थ्री होगा। फिर अब थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस कितना है, देखो नाइन माइनस सिक्स कितना आएगा, थ्री। फिर ट्वेल्व और नाइन का डिफरेंस कितना, थ्री आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस थ्री है, इसलिए कि ईपी में। ओके जैसे सम करते, सम का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हो, देखो इसका सम करना है तो आपको क्या क्या दिया, फर्स्ट टर्म कितना है, ए आपका कितना है थ्री है, कॉमन डिफरेंस कितना है सिक्स माइनस थ्री, थ्री है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स टर्म्स है ट्वेल्व, ट्वेल्व टर्म्स है, ट्वेल्व। अब सम का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसका इसका जो सम आएगा वही नंबर ऑफ टीज होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टीज कितना होगा, देयरफॉर टोटल या नंबर ऑफ टीज लिख दो, नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल टू हो जाएगा इसका सम, फॉर्मूला एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी, एन कितना ट्वेल्व, ट्वेल्व बाई टू, ए है थ्री, ट्वेल्व माइनस वन कॉमन डिफरेंस थ्री है। ओके ये टू सिक्स या ट्वेल्व सिक्स, द टू इंटू थ्री सिक्स, द ट्वेल्व माइनस वन एलेवन इंटू थ्री कितना आ गया सिक्स, सिक्स प्लस थर्टी थ्री। ओके सिक्स, सिक्स प्लस थर्टी थ्री कितना आएगा थर्टी नाइन, मल्टीप्लाई करिए तो सिक्स इंटू नाइन कितना आ गया फिफ्टी फोर, फाइव रह जाएगा, और सिक्स इंटू थ्री एटीन, एटीन प्लस फाइव कितना होगा, एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री, टू यानी टू हंड्रेड थर्टी फोर, ये आंसर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो प्लांट किया गया 234 ट्रीज प्लांट किया गया। ओके ओके आंसर हो गया। तो बस इसमें क्वेश्चन आपको एक एक सीरीज बनानी है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि जिस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उतने ट्री प्लांट करेगा इस सेक्शन। ओके तो फर्स्ट क्लास में थ्री सेक्शन है, तो इच सेक्शन वन ट्री को प्लांट करेगा, वन वन वन, तो थ्री हो गया ना, तो वन थ्री टाइम्स है तो थ्री इंटू वन हो गया। तो अगर सेकेंड क्लास है तो सेकेंड क्लास में थ्री सेक्शन है, इच सेक्शन टू ट्री को प्लांट करेगा, तो टू कितने बार आएगा थ्री टाइम्स, तो थ्री इंटू टू हो गया। इस तरह से चलते रहेगा कहाँ तक, ट्वेल्थ क्लास तक, तो टू ट्वेल्व टर्म्स आ गया। अब ये एपी में है, इसका सम करो, एपी का फॉर्मूला यूज करो, सम कर लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, देखो आप डायग्राम बना हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए स्पिरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल सक्सेसिव सेमी सर्कल से एक स्पिरल बनाया गया विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, कभी ए सेंटर होगा कभी बी सेंटर होगा, कभी ए होगा कभी बी होगा अल्टरनेटिवली। ओके अब करो इस तरह से, स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ द रेडाई एंड फर्स्ट जो सेमी सर्कल होगा उसका रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड का 1 सेंटीमीटर, थर्ड का
1.5 सेंटीमीटर इस तरह से 0.5 इंक्रीज हो रहा है. ओके एज सोन इन द फिगर दिस. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्फीयर मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल. टोटल सेमी सर्कल कितना है? 13 है. कितना है? 13 है. कहता टोटल लेंथ कितना हो जाएगा स्फीयर का. अब देखो क्या करेंगे. देखो बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे. फर्स्ट हम लोग सेमी सर्कल ये है, इसका सेंटर क्या है, ए. इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे सेमी सर्कल का. ओके अब फिर सेकेंड सेमी सर्कल कौन सा है. सेकेंड सेमी सर्कल आपका ये है. इसका लेंथ जैसे इस फर्स्ट का लेंथ आई एल वन ले लिया, सेकेंड का लेंथ एल टू ले लिया. इस तरह से थर्ड का लेंथ वो क्या है, थर्ड का लेंथ आपका ये है एल थ्री है. फिर फोर्थ का लेंथ क्या है, फोर्थ का लेंथ ये एल फोर है. इस तरह से टोटल कितना सेमी सर्कल है, 13 है. सबका सम कर देंगे देन टोटल लेंथ आ जाएगा स्पिरल का. अब जानते हैं सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है. सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr. ओके अब सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ है. तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा. कितना हो गया, πr. यानी सेमी सर्कल का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा. देखो इसका लेंथ फाइंड, इसका लेंथ किसके इक्वल होगा, पाई आर के इक्वल होगा. और रेडियस मान लो इसका आर वन है, इसका आर वन है, इसका रेडियस मान लेते हैं आर टू है. ये दिया हो ना, रेडियस दिया हो सभी सेमी सर्कल का, रेडियस आपको गिवेन है. ओके ओके तो अभी सभी को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे है. तो L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर आर वन. और L2 सेकेंड सेमी सर्कल का जो लेंथ है L2 मान लिया, तो L2 इक्वल टू कितना होगा, पाई R2. इसका रेडियस R2 है. फिर थर्ड सेमी सर्कल रेडियस मान लिया R3 है, इसका सेमी रेडियस R3. तो L3 का लेंथ हो जाएगा पाई R3. अब इस तरह सभी को सम करेंगे क्या आएगा, आपको टोटल लेंथ आ जाएगा. ओके तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 18. अब फर्स्ट R1 है 0.5, R2 है 1, R3 1.5. यानी रेडियस क्या है, 0.5 से इंक्रीज हो रहा है. ओके तो हम अब पाई वैल्यू क्या लेना, 22/7. क्वेश्चन नंबर 18. ओके तो टोटल लेंथ हो जाएगा स्पिरल का, टोटल लेंथ ऑफ स्पिरल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल. फर्स्ट सेमी सर्कल लेंथ है L1, सेकेंड का लेंथ है L2, थर्ड का लेंथ है L3. इस तरह से एंसुआ होते चला जाएगा कहाँ तक, कितना टोटल सेमी सर्कल है, 13 है, 13 टर्म्स. ओके आप देखो सिंस फार्मूला कहते हैं सेमी सर्कल का लेंथ, सिंस होता है ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ, सिंस लेंथ ऑफ सेमी सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस हो गया, सेमी सर्कल लेंथ होता है पाई इंटू रेडियस. आर क्या है, रेडियस है. अब यहाँ पे गिवन है, यहाँ क्या क्या गिवन है देख लो. गिवन है फर्स्ट सेमी सर्कल रेडियस है 0.5, सेकेंड का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर में. फिर थर्ड का लेंथ कितना है 1.5 सेंटीमीटर. इस तरह से 0.5 से इंक्रीज हो रहा है. ओके अब हम इसमें पुट करते हैं टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो 9 टोटल लेंथ इक्वल टू होगा L1 इक्वल टू क्या होगा, पाई इंटू R1 है ना. ये फार्मूला हमने यूज किया, ये वाली फार्मूला यूज किया. ओके पाई इंटू R1. फिर आइए प्लस L2 क्या होगा, पाई इंटू R2. सेकेंड थर्ड सेमी सर्कल का लेंथ कितना होगा, पाई इंटू R3. इस तरह से चलते रहेगा कितना टर्म तक, 13 टर्म्स. ओके अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू आ गया पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू
1.5 प्लस डॉट 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 2, 13 टर्म्स। ओके, अब जो सभी में पाई है, पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 0.5 1 प्लस 1.5 2 13 टर्म्स। ओके, टू 13 टर्म्स। अब देखो बच्चे, ये जो अब सीरीज बना ये एक्चुअल में एपी में है। अब क्यों, चूंकि देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो 1 माइनस 0.5 कितना आएगा, 0.5। फिर थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस करो, A3 माइनस A2 करो तो 1.5 में 1 माइनस करो कितना आएगा, 0.5। इस दोनों इक्वल है, देखो सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस 0.5 है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी 0.5 है, इक्वल है। तो यही आपका कॉमन डिफरेंस हो गया और ये जो आपको दिया हुआ ये सीरीज सिक्वेंस ये एपी में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो एपी क्या क्या कह रहे हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये सीरीज है, सीरीज इज इन एपी में और कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी कॉमन डिफरेंस अब डी आपका है 0.5 और इसका फर्स्ट टर्म भी कितना है, फर्स्ट टर्म भी कितना है 0.5 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। तो अब सम का फॉर्मूला यूज करो, इसका सम करनी है, इसका जो सम होगा वही लेंथ हो जाएगा, किसका, स्पिरल का लेंथ हो जाएगा। ओके, तो सम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू पाई इनटू, अब इसका सम का फॉर्मूला यूज करो, ए पी का फॉर्मूला यूज करेंगे, करो तो क्या था फॉर्मूला, एन बाई टू टू ए एन माइनस वन इंटू डी। अब सारे वैल्यू पुट करो, ए कितना है डी कितना, सारे वैल्यू पुट करो, पाई इंटू एन है आपका 13 बाई टू, टू इंटू ए कितना है 0.5 प्लस एन है 13 माइनस वन और कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है। ओके, इक्वल टू पाई इंटू 13 बाई टू, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1 प्लस 13 माइनस 1 कितना आएगा 12 इंटू 0.5। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई कितना है 22/7 है इंटू 13 बाई टू, ये 1 आ गया और 12 में 0.5 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, तो 6 प्लस 1 कितना गया 7, 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, जो कैंसिल हो कैंसिल करो, 7 कैंसिल होगा और 2 से कैंसिल 11 आएगा, 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 13 कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, 11 इंटू 1 तो 11 इंटू 3 33 आ गया, 33 में 3 ले लिया 3 रह गया, 11 इंटू 1 11, 11 प्लस 3 14, 143 ये आ गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया ये, एंड स्पिरल का लेंथ कितना टोटल 143 सेंटीमीटर। ओके, कुछ नहीं था, हमने क्या किया, जितना भी सेमी सर्कल 13 सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का लेंथ होता है कितना, पाई आर, पाई इंटू रेडियस, रेडियस आपको दिया हुआ है, तो जितना भी सेमी सर्कल है उसका सम कर दो, एल वन सर्कल लेंथ का सम कर दो, एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री, तो लेंथ होता है सेमी सर्कल का पाई इंटू रेडियस, पाई इंटू रेडियस। अब पाई को मिल लिया, चूँकि रेडियस आपका दिया हुआ है 0.5 0.2 1 1.5 फिर 2, इस तरह से रेडियस दिया हुआ 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, अब सबका सम कर लिया, पाई सम में कॉमन है कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अब देखते हैं ए पी में, ए पी का फॉर्मूला यूज कर लिया, फर्स्ट टर्म दिया हुआ कॉमन डिफरेंस दिया और एन दिया हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, तब सारे वैल्यू पुट करने के बाद सम किया तो कितना आ गया आंसर, 143 सेंटीमीटर। ओके,